हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो? करती सब लोग ठीक होगे? अभी जो हाउस वाइफ होगी, शाम का खाना बना रही होगी और खाना खा भी रही होगी। तो बस यहाँ पर मैंने बनाए पोहे, और पोहे में मैं डाल रही हूँ ऊपर से शुगर, क्योंकि मैंने नींबू निचोया था और मुझे ऊपर से शुगर लेनी काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि खट्टा मीठा काफ़ी अच्छा पोहे लगते हैं। तो बस ये मेरे पास आके खड़ा था, तो बस उसको खिला भी रहा था और देख रहा था। उसने पॉटी पॉटी तो नहीं की, तो बस उसने कुछ भी नहीं किया था, और भी देख रहे हैं किस तरह से मेरे पास खड़े। और पोहे काफ़ी टेस्टी बने थे, तो मम्मी को बोल रहे थे बहुत ही अच्छे बने और काफ़ी अच्छे भी है खाने में। तो बस मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और आपने शाम के टाइम क्या खाना बनाया? तो मेरे शाम की इवनिंग की रूटीन जो होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरा खाना आई थिंक 8 के आसपास खाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि भावेश शाम को घर पर आते हैं, तो बस हम जल्दी खाना बना देते हैं, क्योंकि सुबह टिफिन जाता है तो उनको भूख लगती है। तो हम 7:30 से 8 बजे तक हमारा खाना हो जाता है, काम हमारे 8 से 9 के बीच ख़त्म हो जाता है। तो बस मैंने खाना खा के पानी पी लिया। मैं मटके का पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रिज का पानी शूट नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे सर्दी बुखार बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अभी क्लीनिंग स्टार्ट की है, तो उसकी जो सिपट एलर्जी होती है मुझे बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सुबह बातें बहुत ही हो गई, अभी किचन क्लीन करना है, तो बस अभी मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। मम्मी यहाँ पर खाना खा रही है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सब कुछ फैला हुआ पड़ा है, और मम्मी यहाँ पर खा रही है। तो मम्मी खा रही है, तब तक मैं बाहर एक यानी कि चक्कर लगा कर आ जाती हूँ, क्योंकि खाना अच्छे से पच जाए। और फिर मुझे घर का सारा जो बर्तन है मुझे समेटना है, क्योंकि सब ने खाना खा लिया और बाबू और वारिस दोनों पीछे रूम में बैठे हुए, क्योंकि AC चालू कर गए, क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है इसीलिए। तो बस क्या होता है ना, घर का काम हमें सबसे पहले कर देना चाहिए और फिर बैठना चाहिए। तो क्या है ना, मैं सबसे पहले, मेरा छोटा घर है तो सबसे पहले उसे वाइंड अप कर देती हूँ, वरना बहुत ही ज़्यादा गंदा। और एक स्त्री घर को स्वर्ग और नर्क बना सकती है, तो हमें सब कुछ करना होता है। हमें घर को जितना साफ रखेंगे तो स्वर्ग रहेगा, और जितना गंदा रखेंगे तो नर्क रहेगा। तो सब कुछ हमारे हाथ में है। तो बस मैं 8:30 को मैं काम सारा ख़त्म कर देती हूँ और सारा काम निपटा देती हूँ। तो मैं जो देखा जाए तो मैं 7 से 8:30 के बीच मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो 7 से 8:30 बजे मेरा काम इजीली ख़त्म हो जाता है। तो सो बस इसी तरह से हमारा घर का काम रहता है, और मम्मी दोनों समेट लेंगे। तो मम्मी बर्तन साफ कर देंगे, और मैं घर में जितनी गंदगी हो सारी गंदगी को साफ कर दूँगी। तो सो जितना सामान नीचे था उसको अच्छे से मैं ऊपर रख दूँगी, कि है ना, हम जितना अच्छे से उसको सेटअप कर रखेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। और जितना घर आपका छोटा है उसको आप जितना अच्छे से उसको सेट करेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो आपका घर एक बड़ा घर की तरह ही देखेगा। तो क्या है ना, सब कुछ स्त्री के हाथ में है। स्त्री जितना उसको अच्छे से सजाएंगे उतना अच्छे से सजेंगे। और हाँ, मेरी प्रेगनेंसी के बाद आपको मेरा वेट लॉस दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो क्या है ना, अभी बेबी काफ़ी 10 मंथ का हो गया, और 22 तारीख को वो और 12 का हो जाएगा। तो सो मैं उसके बर्थडे की भी तैयारी करने वाली हूँ, और अभी त्यौहार आ रहे हैं तो त्यौहारों की तैयारी करनी है, और बस ये सब कुछ तो चलता रहेगा। और यहाँ पर दूध को मैं एक पतीली में निकाल दूँगी, और मैं मम्मी को बोल रही हूँ चलो पास में आओ और सबको दिखाओ कि मैं कैसे सब कुछ करती हूँ, और मैं छोटे से छोटी आपको दिखाना चाहती हूँ। तो बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है उस आपके हाथ में, बस एक लाइक लाल बटन पर जाना है और आपको उसको टच करना है, क्या और कुछ भी नहीं करना। क्या आप लाल बटन को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगे और कम नहीं हो जाएंगे, मेरे भी नहीं बढ़ जाएंगे तो आपके भी नहीं बढ़ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगा कर अच्छे से साफ कर दूँगी और पोछा लगा दूँगी। तो सो बस ऐसे हमारा काम चलता रहता है, और मम्मी बर्तन लेकर चली गई है उसको धोने के लिए। तो बस यहाँ पर मेरा तो नाटक ख़त्म हो ही नहीं रहा, तो अब मैं अपना काम कर लपट लूँगी। और बस बच्चे को अभी बाहर रखा है खेलने के लिए, यानी कि दूसरे रूम में, और भावेश मेरे कैमरे के पीछे आ गए, और मैं कैमरे के आगे हूँ। तो कैमरे के आगे रोल बजाना काफ़ी ज़्यादा डिफ है, क्या है ना, उसके सामने आपको दिखाना है, आपको अपना फेस पूरी दुनिया को दिखाना है, और आपको इस यूट्यूब चैनल में आपको घूमना है, और यूट्यूब चैनल ही आपको एक वायरल करती है। तो बस ये यूट्यूब चैनल है, ये आपको इतने ज़्यादा लोगों के बीच आपको रखती है। और कभी कभी कभार तो हम
बस जितनी जगह पर है उतनी ही जगह पर रहते, कभी हम आगे बढ़ पा ही नहीं जाते। पर क्या है, आप कंटेंट नया लाओगे, उसमें कुछ नया दिखाओगे तो आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। तो सुबह मेरे किचन को अच्छे से मैं साफ करती हूँ, और आपको पता है मैं जब भी रात को किचन साफ करती हूँ तो आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, आपके लाइफ हैक्स के बराबर ही है। तो आपको छोटा घर है तो आपको जब भी आप साफ करते हो, बर्तन साफ करते हो, जितना भी आप उसको साफ सुथरा, और वहाँ पर आपको कोई बॉक्स रखते हो तो बस उसको साफ कर कर अच्छे से पोछा लगा कर, आपको एक नींबू लेना है, उसमें रस डालना है और नींबू को अच्छे से जिंक में घिसीट देना है, क्या होता है, और फिर उसको आपको साफ नहीं करना पूरी रात, और नाइट को आप उसको छोड़ देना है, क्या होता है, उसके जो मच्छी होती है उसमें जो बदबू आती है, गंदगी होती है और ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो कुछ भी नहीं होगा, और आपका जिंक काफ़ी अच्छा रहेगा, कुछ भी मच्छी बच्ची नहीं आएगी, और साफ़ सुथरा आपका जो किचन है वो रहेगा। तो बस ये टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करनी है, जो गृहिणी होगी और ये वीडियो देख रही होगी वो तो ज़रूर फॉलो करेगी। तो सो बस कुछ इसी तरह से मैं करती हूँ, और जितने कपड़े मुझे धोने होते वो मैं बाहर की तरफ रख देखती हूँ, तो बस वो मुझे धोने, और ये धुले हुए कपड़े घर में आ गए तो उसको मुझे वाइंड अप अच्छे से फोल्ड कर कर रखना है, वाइंड अप नहीं। तो सो बस मेरा पोछा हो गया, और मेरा घर कितना साफ सुथरा, छोटा है पर मैं बस कुछ इसी तरह से अच्छे से साफ रखती हूँ, तो सो आपको दिख रहा होगा। तो बस ये मेरा छोटा सा कबाट है, और बस मेरा काम सारा खत्म हो जाएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।